ये हाँ आज जो हम हम पहले तो एरर्स कर लेते हैं जो सीपीओ नॉट सॉरी जो सीडीएस में आया हुआ है ओके okay? सीडीएस में पूछे गए एरर्स को कर लेते हैं सीडीएस का पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे उसके बाद हम बाकी अपना जो बैच में एरर्स करते हैं वो सब करेंगे इंप्रूवमेंट वगैरह भी करेंगे गुड आफ्टरनून सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एक बार मुझे ऑडियो वीडियो बता दो ठीक है ये जो एरर्स है ना ये सीडीएस में आया हुआ है इस बार का पेपर जो है उसमें आया हुआ है। ओके, फोर वाला जो पेपर है चलो पहला वाला क्वेश्चन देख लो ड्यूरिंग okay है कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम देअ हटा दीजिए देयर वर्क फोर्स रिसेशन मतलब मंदी ठीक है मंदी के दौरान बहुत सारे कंपनीज को ना अपने एम्प्लॉज को निकालना पड़ा छटनी करना पड़ा मजबूर होकर उसको करना पड़ा मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड मैनी कंपनीज को मजबूर किया गया कि वो अपने इम्प्लॉइज की छटनी करे हाँ देखो 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 यहाँ पे ना यहाँ पे देर वर्कफोर्स होगा देर वर्कफोर्स किसके लिए है कंपनीज के लिए और कंपनीज तो प्लूरल है कंपनीज तो प्लूरल है तो इसके साथ देर ही लगेगा देर ही लगेगा देर ही लगेगा देखो ये जो क्वेश्चन है ना Uh, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना अब देखना है कि सी किसको एरर मानता है क्योंकि कभी कभी छोटा छोटा आर्टिकल का एरर नहीं मानता है कभी -कभी मैंने में ना कि uh, वहाँ आर्टिकल का एरर होना चाहिए बट वो आर्टिकल लगाते नहीं ठीक है ऐसे अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता ठीक है पहले बात को ध्यान से सुनना अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता रिसेशन के दौरान अगर यहाँ पे आर लगा होता ना तो एक जनरल बात कही जा रही होती यहाँ पे आर लगा होता तो एक जनरल बात कही जाती कि रिसेशन के समय बहुत सारे कंपनीज अपने वर्कफोर्स को कम करते हैं तो ये तो एक जनरल बात कही गई है और जनरल बात में हम सिर्फ रिसेशन लगाएंगे किसी खास रिसेशन की बात नहीं हो रही है जनरल सेंस में बात हो रही है अगर यहाँ आर लगा होता तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना ठीक है इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना अब पता नहीं इसको सीरियस क्या एरर मानने वाला है ओके okay, उनका तो आंसर की भी नहीं आता सीधा वो रिजल्ट वगैरह दे देते हैं आर्टिकल का एक छोटा सा ऐसा एरर होता है ना कई बार एग्जाम्स में उसको आर्टिकल के एरर को वो एरर मान लेते हैं और कई बार उसको नजरअंदाज भी कर देते हैं तो ये क्वेश्चन में देखो होना क्या चाहिए था अगर ये यहाँ पे आर लगा होता तो यहाँ पे हमें द लगाने की जरूरत नहीं होती रिसेशन के दौरान ओके okay, रिसेशन के दौरान बहुत सारे कंपनीज अपने अपने इंप्लॉयज की छटनी करते हैं काम करते हैं तो एक जनरल बात कही जा रही है द लगाने की जरूरत नहीं है बट तो यहाँ पे किसी खास रिसेशन uh, की बात हो रही है ना किसी खास रिसेशन की बात हो रही है जहां कंपनीज को पास टेंस में जा रहा है ना कंपनीज को बहुत सारे एम्प्लॉयज की छटनी करनी पड़ी ओके okay? हाँ इट्स नहीं लगे इट्स कहां से लगेगा कंपनीज की बात हो रही है और कंपनीज प्लूरल है ठीक है तो ये वाला जो है ना ये वाला क्वेश्चन है ओके okay, ये वाला क्वेश्चन में किसी खास रिसेशन की बात हो रही है तो वैसे तो यहाँ पे द लगना चाहिए ड्यूरिंग द रिसेशन क्योंकि किसी खास मंदी पीरियड की बात हो रही है ना पास टेंस में किसी खास रिसेशन की बात हो रही है जहां कंपनीज uh, को अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकालना पड़ा तो ये किसी खास सेशन की बात हो रही तो यहाँ पे द लगना चाहिए द लगना चाहिए कंपेल्ड सही है कंपेल्ड विथ नहीं होगा सही है कंपेल्ड यहां पे पैसिव जा रहा है ना इंप्लाइज को कंपेल्ड किया गया ओके तो सेंटेंस को ध्यान से सुनना तो कई जगह पे ना इस क्वेश्चन का आंसर कई जगह पे बच्चे मेरे पास भेज रहे थे कि मैम कई टीचर यहाँ पे इसको नो एरर बता रहे कई टीचर इसको नो एरर बता रहे हैं और कई टीचर बता रहे हैं ना कि ये खास रिसेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे द लगेगा देखो अगर हम लॉजिकली देखें तो यहाँ पे तो द लगना चाहिए ना ओके यहाँ पे तो द लगना चाहिए क्योंकि किसी खास रिसेशन की बात हो रही है पास टेंस में ओके तो द लगना चाहिए था ड्यूरिंग द रिसेशन मतलब खास रिसेशन की बात हो रही जहां इंप्लॉइज को करना पड़ा तो द लगना चाहिए अब देखना है कि वो किसको एरर मानता है एग्जाम में कभी कभी ना हम किसी खास के लिए भी बगैर द लगा के भी यूज कर लेते क्योंकि आपको कई सेट्स मैंने प्रीवियस पेपर का करवाया हुआ है जो आप लोग बोलते हो ना कि मैम किसी खास की बात हो रही है तो द तो लगना चाहिए था बट वहां एग्जाम ने द नहीं माना बट यहाँ लगना चाहिए ड्यूरिंग द रिसेशन क्योंकि पास टेंस में जा रहा है मेरे अनुसार इसमें लगना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे कंपनीज को कंपेल किया गया ये कंपेल विथरी है ओके वह भी है ओके बहुत सारे कंपनीज को मजबूर किया गया किसी के द्वारा द पार्टेड पॉलिटिशियन ने अपना अपना रास्ता बदल दिया उनकी ideology, उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा में मतभेद आ रहा था तो सब ने अपना अपना रास्ता बदल दिया आर्टिकल वाला जो एरर है ना आर्टिकल वाला एरर अगर मैं द नहीं भी लगाऊ ना तो फिर भी कोई गलत नहीं है ठीक है द नहीं भी लगाऊ इसलिए इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा डाइसी है अब देखिए अगर मैं द नहीं भी लगाती हूँ फिर भी वो सही ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ठीक है लेकिन अगर खास रिसेशन की बात हो रही है पास टेंस में किसी खास रिसेशन की बात हो रही है तो हम द लगा भी सकते तो देख लेना है कि वो किसको एरन मान द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू क्यों कारण बता रहा है ना किस वजह से पॉलिटिशियंस अपने अपने रास्ते बदल गए कारण बता रहा है और ड्यू टू टूवर्ड्स नहीं होता ड्यू टू होता है द मर्डर वॉज टू एबोमिनेबल मतलब हेटफुल टू डिस्क्राइब द मर्डर वॉज टू एबोमिनबल मतलब हेटफुल बहुत हेटफुल था मतलब ये मर्डर इतना हीनियस था इतना घिनौना था कि जिसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम द मर्डर वॉज टू एबोमिनल टू डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब भी कर सकते हो ओके नहीं नहीं नो एरर कहां से करोगे टू okay? के साथ वर्ब का वी वन फॉर्म आता है या इसको ऐसा भी कर सकते हो पैसिव भी ले जा सकते हो टू भी डिस्क्राइब इसको अगर दोनों आगे हम प्रेफरेंस पैसिव को देंगे क्योंकि यहाँ पे मर्डर मर्डर कोई काम नहीं करेगा ना ओके एक्ट पैसिव वॉयस में रहेंगे मर्डर इतना घिनौना था कि जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता है लोगों के द्वारा टू बी डिस्क्राइब

और पे हैस, 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 आर्टिकल बेस्ड आपके रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं ना ये पता नहीं उनका जो आंसर बनाते हैं उनके ऊपर है कभी कभी आर्टिकल का एरर को मान लेते हैं कभी कभी आर्टिकल को एरर को नहीं मानते इसीलिए प्रॉब्लम्स करते हैं द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग ये जो न्यूज है ना जो अर्थक्वेक जो भूकंप में जो सर्वाइवर बचे हैं जो लोग बच गए हैं उनसे रिलेटेड वेरी डिस्टर्बिंग है अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेगा कि ये देखेगा मैम यहाँ पे अर्थक्वेक सर्वाइवर्स है प्लूरल है प्लूरल है तो आर होना चाहिए ना लेकिन आर नहीं होगा इज होगा क्यों बता रही हूँ वेरी डिस्टर्बिंग ये डिस्टर्बिंग है तो अर्थक्वेक सर्वाइवर्स डिस्टर्बिंग नहीं है जो अर्थक्वेक में बच गए हैं वो लोग डिस्टर्बिंग नहीं है डिस्टर्बिंग तो ये न्यूज है और न्यूज का एस देखकर इसको प्लूरल मत समझना ये हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है न्यूज सिंगुलर होता है न्यूज का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो ये इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट न्यूज है ठीक है और न्यूज सिंगुलर है तो इज लगाओ अब मुझे बोलोगे कि मैम आपने अर्थक्वेक सर्वाइवर्स को सब्जेक्ट क्यों नहीं माना क्योंकि ये जो रिगार्डिंग है यहां पे रिगार्डिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है रिगार्डिंग यहाँ पे preposition, जैसे हम लोग करते हैं ना राम राम including his brothers, राम ब्रदर्स इज और उसके भाई सब बिजी है तो आप बोलोगे मैम आई एन जी तो होता है ना आई एन जी आई जी तो वर्ब होता है हम आई जी को मानते हैं ना जब उस आई एन जी के पहले कुछ इज एम आर वॉज वर लगाओ उसके बाद आई एन जी लगा हो तो वो वॉब होगा तो यहाँ ये है ये जो इंक्लूडिंग है ना यहाँ पे प्रेपोजिशन है और जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद वाला ये जो ब्रदर्स है ये ऑब्जेक्ट तो ब्रदर्स तो प्लूरल है और हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें तो मतलब नहीं है हमें तो सब्जेक्ट देखना है ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट तो राम है सो दिस इज इज ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह आप बोलोगे कि मैम आपने इसको क्यों नहीं माना सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे रिगार्डिंग आ गया और रिगार्डिंग इंक्लूडिंग की तरह प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद ये वाला जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये प्लूरल है और प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है हमारा सब्जेक्ट तो न्यूज है और न्यूज सिंगुलर है तो थोड़ा लॉजिकली भी जाते हो तो यहाँ पे इज आएगा ओके और डिस्टर्बिंग क्या है डिस्टर्बिंग न्यूज है

इक्विपमेंट कोई वर्ड नहीं होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना इकट्ठा जो चीज एक साथ है जैसे बहुत सारे वर्ड्स इक्विपमेंट का मतलब ही होता है अवजार, और अबजार में बहुत सारे चीज एक साथ शामिल है इसको प्लुरल करने की जरूरत नहीं है इसमें से एस हटा एस हटा दें ठीक है हाँ ये हमने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ओके तो सब्जेक्ट वर्ब में आप पढ़ चुके हो जैसे ब्रिक्स का ब्रिक्स का हम सिर्फ ब्रिक लगाते हैं अगर ब्रिक बिल्डिंग मटेरियल हो मकान बनाने की सामग्री हो तो उसके साथ सिर्फ ऐसे एस नहीं लगाएंगे क्रॉकरी है क्रॉकरी क्रॉकरी इज बर्तन ओके okay? क्रॉकरी आपका बर्तन है पॉटरी ये शीशे का बर्तन है और ये मिट्टी का बर्तन है और बर्तन में कोई एक नहीं होता है बर्तन में बहुत सारे चीज एक साथ शामिल है तो उसका प्लूरल नहीं बनाना ओके okay? और यहाँ पे जो कॉस्ट है ना दिस इक्विपमेंट मस्ट हैव ये half के साथ थ्री लगाया है कुछ <laughs> बच्चे बोलेंगे मैम कॉस्ट का तो वी टू वी थ्री यही होता होगा ना कॉस्टेड कॉस्टेड ऐसा समझ रहे हो हमने तो ये चीज वर्ब में पढ़ा है कि कॉस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है कॉस्ट cost का कास्टेड नहीं होता कॉस्ट का V2 भी कॉस्ट होता है और उसका V3 भी कॉस्ट होता है और हैफ के बाद कॉस्ट V3 लगा V3 लगा ओके okay? तो एर आपका यहीं पे नेक्स्ट प्रतीक प्रतिक लुक वेल टुडे टूडे ही प्रतीगात बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है ईजी है इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रही कॉस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है कॉस्टेड नहीं होता है ब्रॉडकास्ट 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 टेलीकास्ट 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 कॉस्ट 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 पुट 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 शर्ट 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 कास्ट कास्ट और ये क्वेश्चन uh, टैग कर रहा है

इट के साथ इट सिंगुलर है पास्ट टेंस में है ओके पास्ट टेंस में विवेकानंद विवेका जी ने कोई स्पीच दिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं इट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और आपने पढ़ा है वन ऑफ वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक तो वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा प्लूरल आएगा और ये डिलीवर्ड सही है ये एक बहुत अच्छा सा स्पीच था जो विवेकानंद जी के द्वारा डिलीवर किया गया पैसिव में जा रहा है और यहां पे किसी खास आपने पढ़ा है ना सुपरलेटिव डिग्री के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट लगाते हैं और और मोस्ट उसके पहले द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का द आर्टिकल का यूज होता है क्यों क्योंकि किसी खास स्पीच की बात हो रही है जैसे विवेकानंद जी ने बहुत सारे स्पीच दिए बहुत सारे स्पीच दिए और बहुत सारे स्पीच में से ना ये वाला स्पीच सबसे अच्छा था तो हम किसी खास के बारे में बोल रहे हैं ना और किसी खास के बारे में बोलेंगे दा लगाएं। दा। बहुत अच्छी बात है मैंने आज आपका बुक परचेस किया है बुक, से डिजाइन बहुत यूनिक है और स्टैंडर्ड है job, हम्म जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था ना ओके okay, जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उस समय उसको फीवर था hmm. मैम डिलीवर्ड तो वी टू है भाई ये सब मैंने कितनी बार बताया है ओके okay, किसी के, किसी किसी के दिमाग में आ रहा है इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एलिक्वेंट स्पीचेस डिलीवर्ड मैम डिलीवर्ड तो यहाँ पे वी टू है उनके दिमाग में आ रहा होगा है बट आगे जाके बाय देखो ना बाय विवेकानंद जी के द्वारा किया गया बाय है पैसिव है और जब पैसिव है तो इसको वीथ्री मानना है वी टू नहीं है कभी कभी हम बगैर एज आर लगा के भी वीथरी लगा के सेंटेंस को पैसिव लगा पैसे क्या है ही सफर्ड हाँ हाँ वो आ, देखो जब उसका ही वॉज इंटरव्यूड ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है ठीक है पैसिव जा रहा है व्हेन ही वाज इंटरव्यूड मतलब जब उसका इंटरव्यू लिया गया ओके okay, किसी के द्वारा तो ये तो पैसिव जाएगा लेकिन जब वो, जब उसका इंटरव्यू लिया गया ना तो उस समय उसका ये फीवर चल रहा था ही वाज सफरिंग वो ही सफर्ड किया उसने फीवर से सफर किया नहीं वो फीवर से पीड़ित सफर कर रहा था ओके okay, जब उसका ये काम हुआ तो ये काम चल रहा था प्रोग्रेशन में था तो सफरिंग वो He was क्या ना जब मेरा चला ना, ऐसा नहीं है कि एक पे था। She to eat. उसने आपको मजबूर किया खाने के लिए उसको खाने रोक देना चाहिए बट उसने फोर्स करके खा ही लिया यू सफरिंग उसने अपने आपको फोर्स किया अपने आपको फोर्स किया तो सही है किसी दूसरे को फोर्स नहीं किया जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके खाया तो ये तो नो एर अब पता नहीं बच्चों ने क्या क्या किया होगा भगवान जाने क्या मतलब एग्जाम में जाते तो क्या क्या करते हाँ क्या कर एग्जाम में आते तो मतलब एग्जाम में तो आप नो एरर नहीं करके आते ना <laughs> कुछ ना कुछ करके आते अब एक लिख रहे हैं मैम हर कर देते अरे हर भी करते तो सही होता है और हर सेल्फ भी है तो सही ही है She 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 forced 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 her. आ, reflexive pronoun reflexive pronoun मतलब हाँ She forced her her मतलब फोर्स किया बट यहाँ तो शी ने अपने आप को किया तो हर भी लगा देते तो कोई गलत नहीं था और हरसेल्फ भी लगाया मतलब उसने अपने आप को फोर्स किया नो एर नो ए रिप किया था ओह क्यों स्किप कर दिया था? चलो बताओ क्या है मतलब कितना नंबर आया टेन में एस एस सी के स्टूडेंट जो आप लोग कितने स्टुड... कितने मार्क्स आए नंबर बता दीजिए नो एरर करने का मन नहीं होता है ना शी फोर्स राम सीता कुछ भी कर देंगे अरे ईटिंग नहीं है उसने अपने आप को फोर्स किया खाने के लिए अभी खाना शुरू नहीं किया है फॉर ईटिंग नहीं होगा अरे शी फोर्स फॉर ईटिंग कुछ भी नहीं बोल देना सेवन आया है एट आया है टेन आया है नाइन आया है सेवन आया है टेन आया है नाइन आया है चलो इसके बाद मैं आपको और भी आपके वाले एरर्स भी करवाऊंगी ठीक है ये आपका सीडीएस का था ओके सीडीएस का टेन एरस करवा दिया अब आ जाओ जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हैं टेन उसके बाद फिर और भी एरस करेंगे कल मैंने सी डी एस का एस वन और एस सिक्स करवाया था आपको आपके बैच में यूट्यूब पे भी डाल दिया था नाइन आया एट आया मैं मैक्सिमम बच्चों का एट नाइन सेवन एट नाइन टेन ओके नो no एरर वाला रॉन्ग हो गया हाँ तो चलो पार्ट ऑफ स्पीच बताओ 2023 तक सी में जितने पार्ट ऑफ स्पीच आया मैंने यूट्यूब पे करवा दिया अब ये टेन कर लेते हैं शी सिंग्स मच बेटर देन आई डू अब आप बेटर देखोगे अच्छा आपको तो पता है डिग्री पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जल्दी से बता दो कि डिग्रीज किसके बनते हैं सुपरलेटिव लेटिव डिग्रीज किसके बनते हैं जो हम कंपेरिजन करते हैं ना पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपेरिजन नहीं कम्पेरेटिव डिग्री में दो के बीच में और सुपरलेटिव इज दो से ज्यादा तो डिग्रीज किसके बनते हैं बहुत पीटूंगी आपको बोला है मैंने डिग्रीज एडजेक्टिव का भी बनता है और डिग्रीज एडवर्ब का भी बनता है ठीक है क्योंकि हम एडजेक्टिव से किसी के क्वालिटी को का भी कंपेयर कर सकते हैं और एडवर्ब से किसी के काम का एक्शन का भी कंपैरिजन कर सकते हैं तो डिग्रीज दोनों का बनता है ओके okay, जैसे जैसे देखो जैसे मैंने लिखा स्मार्ट स्मार्ट एडजेक्टिव है ना स्मार्ट का क्या हो गया स्मार्टर और स्मार्टेस्ट तो डिग्री एडजेक्टिव का भी बनता है अगर किसी ने कोई काम स्मार्टली किया तो मैं बोलूंगी ना उसने इस काम को स्मार्टली किया और मोर स्मार्टली ठीक है और लास्ट वाला लिखा मैंने मोस्ट स्मार्टली तो डिग्री सिर्फ एडजेक्टिव का ही नहीं बनता है डिग्रीज एडवर्ब का भी बनता है ये स्मार्ट एडजेक्टिव था ओके okay? और स्मार्टली एडवर्ब था तो एडजेक्टिव का भी डिग्री बनता है और एडवर्ब का भी बनता है ओके okay? तो कुछ बच्चे के दिमाग में आया होगा अरे बेटर लगा है हमने तो एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा है गुड बेटर बेस्ट कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा अच्छा एक चीज आपको मैंने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था आपको याद होगा गुड और वेल well के बीच का डिफरेंस गुड हमेशा एडजेक्टिव होता है और वेल well, एडजेक्टिव भी होता है और वेल well, एडवर्ब भी होता है होता है एडवर्व भी होता है ओके okay? तो गुड चलो एडजेक्टिव अगर वेल well, एडवर्ब है वैसे well, adjective भी होता है अगर वेल well, एडवर्ब है ना तो उसका भी कंपेरेटिव बेटर बनता है और बेस्ट बनता है ओके okay? उसका भी बनता है बेस्ट और वो सब वाला अब आपके बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे ना कि बेटर इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कि यार बेटर है बेटर है तो चलो एडजेक्टिव लगा देते हैं लेकिन देखो अगर ऐसा रहता ना शी इज बेटर शी इज बेटर देन हिज हर फ्रेंड शी जो है अपने दोस्त से ज्यादा अच्छी है तो यहाँ पे शी और उसके फ्रेंड में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ नाउन और प्रोनाउन में कंपैरिजन हो रहा है और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो यहाँ का बेटर एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे शी और आई uh, का कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है ओके okay? शी और आई का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं शी जो है यहाँ पे उसके गाने का हो रहा है शी का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ शी का हो रहा था यहाँ पे शी जो है वो मेरे से अच्छा गाती है तो ये जो बेटर वर्ड है ना शी के बारे में नहीं बता रहा है, उसके सिंग्स के बारे में और सिंग्स वर्ब है और वर्ब की विशेषता दैट इज एड एडवर्ब तो नहीं करना गलती नहीं करना द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज डेलीज और बच्चा हमारा कर लेगा बट <laughs> बिटर्मिनर क्या है डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है ओके okay, और मैंने आपको डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताया है वो एडजेक्टिव्स जिसके डिग्रीज नहीं जो ये जो डिटर्मिनर है ना ये क्वांटिटी बताता है ठीक है किसी भी चीज की क्वांटिटी या संख्या नंबर बताता है जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा ही इज गुड ठीक है तो ये जो गुड है ये तो एड्जेक्टिव क्वांटिफायर्स नहीं है ओके है गुड का और जैसे मैंने लिखा सम स्टूडेंट्स या सम बॉयज आर एबसेंट मैंने डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में आपको डिफरेंस बताया सम बॉयज आर एबसेंट तो बॉयज नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए बट ये एडजेक्टिव नहीं है ये डिटर्मिनर है क्वांटिटी है संख्या वगैरह बताता है अब देखो ये सबसे पहले कैसे पता करोगे कि ये क्या है इसके पहले देखो द, द, द लगा है द, द, द आर्टिकल है आर्टिकल के बाद नाउन लगाते हैं प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है All adjective है, इसके बाद भी नाउन ही आता है ठीक है और दूसरा एस लगा हुआ है एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल तीन ही चीज का बनता है प्लूरल या तो नाउन का बनता है या तो, तो प्रोनाउन का बनता है या तो वर्ब का बनता है ये वर्ब तो है नहीं वर्ब तो ये है प्रोनाउन तो है नहीं इसका मतलब है ये नाउन नाउन है तो ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा है ना नाउन पहचानने का तरीका ओके और दूसरा देखो ये जो डेली है ना ये एक डेली एडजेक्टिव भी होता है ये जो इस, इसका का मतलब बता रही हूँ यहाँ डेली न्यूज़पेपर के लिए डेली न्यूज़पेपर पेपर जो आता है ना उसमें इसका आया है खबर आई है और एक डेली एडवर्ब भी होता है अकेला डेली एडवर्ब है और एक डेली एडजेक्टिव भी होता है जैसे मैंने लिखा आई टीच डेली मैं आपको डेली पढ़ाती हूँ तो कोई भी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ना हम सेंटेंस के सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज किया गया है ओके okay. उसके अनुसार करते हैं <coughs> उस वर्ड को तो यहाँ पे टीच वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए तो अगर डेली एडवर्ब का काम कर रहा है तो उसका प्लूरल बनेगा ही नहीं अगर डेली एडवर्ब का काम करेगा तो उसका प्लूरल थोड़ी बनेगा जैसे मैंने बोला है डेली वर्क रोज का काम वर्क क्या है नाउन डेली रूटीन कर दे रही हूँ मेरी डेली रूटीन क्या है रूटीन क्या है नाउन और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव का भी प्लूरल नहीं बनता है एडवर्ब का भी प्लूरल नहीं बनता है तो ये एडजेक्टिव भी नहीं है डिटर्मिनर भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है तो इसका भी प्लूरल थोड़ी बनेगा प्लुरल तो नाउन का बनता ओके okay? बहुत तरीके से कर सकते हो द स्टोरी वॉज इन ऑल द सो ये तो बना लो ये तो हम लोग का सदा बार सेंटेंस है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ये तो हम लोग का फेवरेट एग्जाम्पल है uh, अब बोलोगे ठीक है आई एन जी है और हमने तो पढ़ा है कि वर्ब का आई एन जी फॉर्म आई एन जी फॉर्म है आपने पढ़ा है लेकिन आई को तब वर्ब मानोगे ना जब उस आई एन जी के पहले इज एम आर वॉज वर आया रहेगा तब उस आईएनजी को जी को बट इस आईएनजी के आईएनजी के बाद नहीं इस आईएनजी के पहले कुछ ऐजाय मार आया है ये वर्ब नहीं ठीक है दूसरा इन्फिनेटिव तो होगा नहीं इन्फिनेटिव तो टू प्लस वी वन होता है ये तो होगा नहीं कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंट का, का काम करता है जीरंड क्या है जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको जीरंड बोलते हैं ठीक है और उस आईएनजी को नाउन का काम करने के लिए या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट ठीक है ये देख लेते हैं और पार्टिसिपल जो होता है ना जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का, का काम करने लगे तो यहाँ का स्मोकिंग एडजेक्टिव नहीं है आप बोलोगे मैम क्यों नहीं है बिकॉज ये जो इज है वर्ब ये किसके लिए लगा है ये जो वर्ब हमेशा एडजेक्टिव के लिए थोड़ी लगता है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए लगता है और किसी भी वर्ड का सब्जेक्ट जीरेन फॉर्म में ना उनका काम करता है मुझे लग रहा है ना कि दस में दस ले आओगे ऐसा पेपर में आ गया तो दस में दस ले आओ फोर्थ वाला रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा सा क्लास पीछे चल रहा है रिफ्रेश करती हूँ पार्टिसिपल नहीं है पार्टिसिपल कहां से हो गया What मेड यू चूज द वन रादर than द अदर आपने किस वजह से इसको चुना दूसरे वाले को नहीं चुना आ, ये आपको उसमें पढ़ाया है प्रोनाउन चैप्टर में जैसे ऐसा मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आई आई वॉन्ट आई वॉन्ट द ब्लू पेन आई डोंट वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट द रेड वन मेरे को ब्लू कलर का चाहिए पेन मेरे को रेड वाला नहीं चाहिए ठीक है ये जो पेन है ये नाउन है ठीक है मेरे को ब्लू वाला पेन चाहिए मेरे को ब्लू पेन चाहिए मेरे को रेड वाला नहीं चाहिए तो ये जो वन लगा है ना पेन के लिए और पेन नाउन है नाउन के बदले लगने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं ये तो एडजेक्टिव है और थोड़ा सा और दिमाग लगाओ थोड़ा सा और दिमाग लगा दो द लगा है। द आर्टिकल है और आर्टिकल आर्टिकल किसके साथ लगता है आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही नहीं लगता है आर्टिकल या तो नाउन के साथ लगता है या तो प्रोनाउन के साथ लगता है ठीक है इसी दोनों में इसके साथ लगता है ना वर्ब तो है नहीं नंबर एडी प्रोनाउन है ये प्रोनाउन और वॉट मीडियो वॉट यू चूज क्या क्या वॉट का जवाब आ रहा है अपने ये वॉट का जवाब भी नाउन प्रोनाउन नहीं देते देर इज स्टिल सम वॉटर इन द बॉटल बना लोगे वन का प्लूरल वंस होता है वॉटर क्या है वॉटर नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए एडजेक्टिव चाहिए एडवर्ब तो है नहीं कंजंक्शन है नहीं डिटर्मिनर है ओके डिटर्मिनर है डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का हिस्सा होता तो मैं होती तो ऑप्शन में एडजेक्टिव भी डालती ओके और एक ऑप्शन में डिटर्मिनर भी डालती एडजेक्टिव एडजेक्टिव डिटर्मिनर एडजेक्टिव का वो हिस्सा होता है ना जो क्वांटिटी बताता है कितना ठीक है सम जैसे uh, जैसे क्वांटिफायर्स uh, होते हैं ना ये डिटर्मिनर uh, में ये आ जाएगा एडजेक्टिव फ्यू सम ऑल ये सब सब डिटर्मिनर्स में आ जाएगा तो डिटर्मिनर हुर्रे वी हैव द मैच इजी था दस में दस वाला हुर्रे हुर्रे क्या बता रहा ओह आउच हुर्रे ब्रावो अल्लास आह ये सब क्या है ये सब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मतलब इसमें दुख वाला तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये तो इंटरजेक्शन में आप सडन सप्राइज करते तो okay. कर लोगे ऑप्शंस को छाटो ना ये having से कंजंक्शन तो बिल्कुल नहीं auxiliary थोड़ी है, having. Auxiliary. Adverb थोड़ी है, तो पार्टिसिपल है पार्टिसिपल में करवाया है ना विशेषता बता रहा है किसकी शर्मिला की शर्मिला ने काम खत्म करने के बाद आपने पार्टिसिपल में पढ़ा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल है दस में दस वाला है ज्यादा टाइम नहीं ले रही माई टीचर ऑलवेज मूव अराउंड इन हर क्लास अब कुछ बच्चा ये वाला सेंटेंस में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि मैम हमने पढ़ा है अगर ऐसा रहता है अगर ऐसा रहता है ना ही मूवज अराउंड जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ अब मैंने लिखा ही केम इन ठीक है और ही केम इन टू द रूम या रूम इन टू टू कुछ भी लगा सकते हैं ही केम टू द रूम इन ही लगाती है. इन लगाती ही केम इन द रूम या ऐसा लगाती है ही वॉज सिटिंग इन द रूम केम के साथ इन टू लगाएंगे ही वॉज सिटिंग इन द रूम अब देखो यहाँ इन है ठीक है और मैंने आपको बताया था ना कि जगह बताने वाले वर्ड्स यहां जगह बताया जा रहा है प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो ये मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा दिया है या तो एडवर्ब होते हैं या तो प्रेपोजिशन होते हैं प्लेस बताने वाले वर्ड्स तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है रूम एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है बट प्रेपोजिशन लेता है तो यहाँ का इन प्रेपोजिशन है बट यहाँ इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है तो यहाँ का इन एडवर्ब यहाँ का इन एडवर्ब ठीक है अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है कि मैम यहाँ पे तो एक प्रेपोजिशन लगा है ठीक है है एक लगा इन और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है तो कई बच्चे ना ये प्लेस प्लेस बता रहा है और प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है और ऑप्शन अच्छा प्रेपोजिशन है ही नहीं <laughs> ये तब तो अच्छा है प्रेपोजिशन तो है ही नहीं प्रेपोजिशन होता तब प्रॉब्लम्स करता क्योंकि बच्चा को लगेगा कि मैम यहां तो ऑब्जेक्ट है बट ये जो अराउंड है ना इसका ऑब्जेक्ट नहीं है जो ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो इस प्रेपोजिशन का है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है ठीक है ये तो मूव की विशेषता बता रही है मैं मुझे लगा ना उन्होंने प्रेपोजिशन भी पूछा होगा कंफ्यूज करने के लिए प्रेपोजिशन डालना चाहिए था ना ये तो आपका काम आसान कर दिया मैंने ऑप्शंस देखा नहीं है द कैंटन करिस मैन ऑफ द टाउन का मतलब होता है ना चिड़चिड़े लोग जो होते हैं इरिटेबल चिड़चिड़े लोग होते हैं अराउंड द मार्केट प्लेस झगड़ालू लोग चिड़चिड़े झगड़ालू बताया इसको याद करवाया था ना टैंकर टैंकर से पानी भगड़ने के भरने के लिए सब लोग झगड़ते हैं <laughs> ये तो आपका काम आसान कर दिया दस में दस वाला हाँ मेरे को यही वाला करना था मेरे को यही वाला ऑप्शन का मैं वेट कर रही थी अगर दोनों आ गया अब वर्ब तो है नहीं वर्ब तो ये वाला है रोर गरजना हल्ला करना एडवर्प तो है ही नहीं अब देखो ये जो मैन है ना नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए अब बोलोगे कि मैम एडजेक्टिव तो एड्जेक्टिव और डिटर्मिनर भी तो एडजेक्टिव का ही पार्ट हो, पार्ट होता है <laughs> लेकिन हाँ और मैंने आपको डिटर्मिनर एडजेक्टिव का वो पार्ट होता है ना जो आपको मतलब संख्या बताए जैसे ये जो ईच ठीक है एवरी uh, को ऑल को फ्यू को, को यह सब को हम determiners बना सकते हैं लिटिल को ये सब ओके बट गुड ब्यूटिफुल ये सब हमारा क्या है ये सब प्योरली असली वाला एडजेक्टिव है ओके okay? तो ये भी हो गया इंडिया इज रेवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टूडे जैसे मैंने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स क्वांटिटी बता रहा है मात्रा बता रहा है संख्या बता रहा है जैसे मैंने लिखा फ्यू स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स तो नाउन है नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए और ऑप्शन में एडजेक्टिव भी है और ऑप्शन में डिटरमिनर भी है डिटरमाइन करता है डिटरमाइन करता है किसी का वैल्यू ओके डिटरमाइन करना वैल्यू अमाउंट संख्या तो ये तो डिटरमिनर हो ओके okay? डिटरमिनर वो होते हैं ना जो किसी चीज का अमाउंट बताता है किसी चीज की संख्या बताता है नंबर बताता है वैल्यू और जैसे वन बॉय वन बॉय बॉय क्या है नाउन कितना कितनी संख्या में वन तो और तो और इंटरजेक्शन तो आ आउच है नहीं द लगा द नहीं इजी है इस बार पहले तो कन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पूछते थे बट इस बार डैम इजी दस में दस वाला इस बार सारा बदला उन्होंने ग्रीक और लैटिन वर्ड पूछ के लिया है सीडीएस में नाउन स्कोर शेयर करिए नाउन टेन में टेन तो आ ही गया होगा दो दो जगह करवाना पॉसिबल नहीं है यूट्यूब वाले बच्चे अलग डिमांड करते हैं पेड वाले बच्चे सब अलग डिमांड करते हैं मैंने सोचा पेड बैचेस में ही आपका रिविजन करवा देती हूँ यही वीडियो यूट्यूब में भी काम कर जाए ओके टेन आया कौन सा रॉन्ग हो गया है कौन सा रॉन्ग हो गया है कि आपका नाइन आया है बहुत दुख की बात है आज मैं लंच नहीं करूंगी दुख की बात है कि इतना नौ कहां से आ गया मेरे को चाहिए था दस में दस कौन सा आपका रॉन्ग हो गया है कि आपका नौ आ गया है कौन वाला रॉन्ग किया है जरा बताना आई ऑल्सो नो वेरी इनक्विजिटिव ने रॉन्ग किया है दस हुरे वाला किया है वाला रॉन्ग किया इसको हुरे वाले को आ आउच और वो सब में भेज देना का मैंने कितना सारा वीडियोस यूट्यूब पे भी डाला है पेड बैचेस में तो है ही बेटर वाला कर दिया ना मत करना मत करना कितने अच्छे, कितने अच्छे से बताया है। well. अच्छा है। और फिर लिखा ही सेंग वेल

वॉब की विशेषता एडव तो बेटर एडव भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है ही न्यू लिटिल उसको बहुत थोड़ा ही सा पता था तो ही लिटिल नहीं है ही को बहुत थोड़ा सा पता था नो नो वर्ब है ठीक है न्यू वर्ब है नो का ही पास्ट पास वर्ब की विशेषता एडव और ही हैज लिटिल मनी यहाँ लिटिल मनी की विशेषता बता रहा मनी ना उन्हें ना उनकी विशेषता एडजेक्टिव डिटर्मिनर